नमस्कार। किस्से और कहानियाँ, बातें और पहेलियाँ, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, बातें समझदारी की, खबरें दुनियादारी की, मनोरंजन के रंग सब रंग के संग। हम में से कई लोग अपने जीवन के सभी सुख दुखों को भाग्य का खेल मानते हैं। बड़े से बड़े ज्योतिषियों से लेकर सड़क पर बैठा मदारी का तोता हमारे आने वाले कल को जानने का दावा करता है। सिर्फ 10 रुपए में गारंटी के साथ अपने भविष्य को जाने, संतुष्टि ना मिलने पर पैसे वापस, और साथ में तोता मुफ्त 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 मुफ्त। ग्रहों के स्थान, हाथ की रेखाएं, छाया की लंबाई, आपकी कमाई, किसी भी चीज को देखकर भाग्य बताया जा सकता है। पर भाग्य अच्छा हो या बुरा, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्य के पीछे किसका हाथ है? क्या आदमी भाग्य के आगे बेबस है? ऐसे सवालों से महाज्ञानी नारद मुनि भी परेशान हो गए। तो नारद पूछे, नारायण बताएं। चलो हम सब भी सुनो सुनाएं। विनाशी विनाश त्राही माम नारायण नारायण नारायण। भारी विपदा काल का प्रकोप, विनाशी विनाश त्राही माम त्राही माम। प्रणाम प्रभु। आओ नारद, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? बात ही परेशानी की है प्रभु, आपसे क्या छिपा हुआ है? फिर आपके रहते ये दुर्दशा, ये संकट। पहेलियां मत बुझाओ नारद, साफ साफ कहो बात क्या है। मायापति, आपकी माया है जिसका ना आदि है ना अंत है, पर हे करुणा निधि, इतना दंड इतना दुख किस बात का? नारद बहुत हो चुका, अब बताओ भी कि इतना दुख किस कारणवश? प्रभु, मृत्यु लोक के दुख अब मुझसे देखे नहीं जाते। भूख, गरीबी, बीमारी, अकाल मृत्यु, क्या इन सब से निकलने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है नारद, मृत्यु लोक अपने भाग्य की रचना स्वयं करता है, वह अपने लिए दुख और सुख दोनों स्वयं बनाता है। परंतु प्रभु, कोई भला अपने लिए दुख क्यों बनाएगा? कौन चाहता है बीमार, लाचार और गरीब रहना? नारद, तुम्हारी शंका का समाधान मृत्यु लोक में ही है, चलोगे वहां? अवश्य प्रभु। वाह गुरुजी, कोनो नौटंकी के साथ में आए हो का? अरे का गुरु, जच रहे हो, एकदम 100% नारद लग रहे हो। अच्छा, फिर मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे आप तो साक्षात नारायण प्रभु। तब तो हमारी नौटंकी तुम्हारे गांव में चल जाएगी। भाई नौटंकी का कोनो भरोसा नहीं, कहे के मारे आप जानते हो ये कितने 100-200 तो चैनल हो गए हैं टेलीविजन में, कोनो में महाभारत आवती, कोनो में रामायण, कोनो में ओम नमः शिवाय। फिर भी असली नकली में कुछ तो पहचान होगी। अरे नकली का तो जमाना है, असली बिकता कहाँ है? और वही का कह गए हैं कबीर दास जी, 100 में 99 बेईमान, उसके बाद भी मेरा देश महान। नारायण नारायण नारायण। चाह ले होगा, तुमका मना कीन रहा है ना, बिना पूछे घर से बाहर ना निकलियो? अम्मा भेज रही खाना लेकर। अब हम का ना सिखाओ, चुप पहनते चली जाओ, और एक बात कान खोल कर और सुन लो, ना पूछे अगर घर से बाहर निकले टांग तोड़ दे आप तुम्हारे। आप कहना दूसरे को गुस्सा हम पे कहीं उतार रहे हैं, इसमें हमारा क्या गलती? चुप पे हिंते चली जाओ, नहीं तो अब इन सबके सामने हम तुम्हारा तमाचा बना दिया। नारायण नारायण। प्रभु देखिए आपके भक्तों पर कितनी भारी विपदा है, जवान लड़की को ससुराल वालों ने निकाल दिया, खेत जमीन बेचकर बेचारे ने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन 4 साल के अंदर वापिस घर आके बैठे। नारायण नारायण। पर यह सब उसने स्वयं अपनी इच्छा से किया। वो कैसे प्रभु? चलो इसी से पूछ लेते हैं। क्यों भैया, तुमने बचपन में निर्मला को स्कूल जाने से मना किया या नहीं? अब लड़की का पढ़ने वक्त किया या नहीं? कीन तो रहा है, कच्ची उम्र में शादी करने की वजह से बच्चा भी नहीं बचा और निर्मला की तबीयत भी खराब रहने लगी। अधमरी हालत में निर्मला को उसके ससुराल वाले दोबारा तुम्हारे घर छोड़ गए। उस समय भी तुम लोगों ने माना कि गलती तुम लोगों की नहीं है, बल्कि निर्मला ही अभागन। सच या झूठ? यह सच है। और अब भी निर्मला
सिलाई केंद्र जाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, पर तुम उसे रोकते हो। क्यों, जब प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की बहनें निर्मला की मदद के लिए आईं, तब तुमने उन्हें घर से निकाल दिया? तो नारद, जब भी मैंने इसकी मदद करने की कोशिश की, अपने अज्ञान में इसने उसे ठुकरा दिया। इसकी अज्ञानता का कारण इसका अनपढ़ होना है। अनपढ़ता ही इसके दुखों का कारण है। सत्य वचन प्रभु, अभी भी समय है वत्स, अभी भी सुधर जाओ। लेकिन आप लोग हैं कौन? बस एक और टीवी प्रोग्राम। नारायण नारायण, ये तो कमाल है, बैठे बैठाए नौटंकी। पर बात सही कह गए। बर्बाद हो गए, सब लूट गए, कुछ नहीं बचा। हे भगवान, तुम कौन हो? तुम ही तो हमें पुकार रही थी, सो हम प्रकट हो गए। हम कब बुलाए तुमका? हे भगवान, हे परमात्मा, यही पुकार रही थी ना तुम? अच्छा, तो सारे गांव का पता चल गया कि कैलाश की अम्मा बहुत बेवकूफ हैं। उनका जौन चाहे तो उन बेवकूफ बना ले। पहले वो आए रहे भवानी बाबा, आपकी तो हद हो गई, तुम तो पूरे के पूरे भगवान ही बन के उतर आए। नारायण नारायण, माते भगवान बन के नहीं, बल्कि साक्षात भगवान नारायण आए। चुप चमचे, बड़े आए हमें चलाए वाले। अरे, एक गरीब दुखियारी औरत के साथ मजाक करते शर्म नहीं आती तुमको? हम तो वैसे ही दुखी हैं, ऊपर से चले आए हमसे ठिठोली करने। बेचारी, लाचार और दुखी तो तुम स्वयं अपनी इच्छा से हो, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं। वो कैसे प्रभु? इस जगत में मानव हमारा ही रूप और सर्वोत्तम प्राणी है। अपनी बुद्धि के प्रताप से वह अपनी हर इच्छा सिद्ध कर सकता है। इस जगत में वह अपना निर्णय स्वयं लेता है। लेकिन प्रभु, आज ये स्त्री इतनी दुखी क्यों है? अपने दुखों की नींव इसने स्वयं रखी है। इसके दुखों का कारण अज्ञानता, अंधविश्वास और भवानी बाबा है। भवानी बाबा? एक नंबर का धूर्त और बदमाश है भवानी बाबा। क्यों, इसी भवानी बाबा के चक्कर में पड़कर तुमने अपने पूरे परिवार वालों से झगड़ा मोल ले लिया और अपने बहू लड़के तक को घर से निकाल दिया? अरे, ये सब तो काली की अम्मा की करतूत है, वही सारे गांव में झूठ झूठ फैलाई ना सब। हम काहे अपने लड़का बहुरिया का निकलवा घर से? सारी जिंदगी तुम दूसरों को ही दोष देती रही, स्वयं को बदलने की कभी कोई कोशिश नहीं की। पर कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं। तुम हमेशा से ही लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ रही हो ना? तो ठीक तो है, अब लड़कियां घर देखिए कि पढ़ाई करिए। पर पढ़ी लिखी लड़की अपने परिवार का ज्यादा ध्यान रख सकती है, शायद इसीलिए तुम अपने पढ़ी लिखी बहू से नाराज रहती थी। ये उम्र माँ कोई हमका घर चलाएगा सिखाइए तो गुस्सा नहीं आई है? सही चीज सीखने की, ज्ञान पाने की कोई उम्र नहीं होती। नारायण नारायण। और फिर साफ छना हुआ पानी पीने, घर की साफ सफाई रखने और बच्चा दक्ष दाई से कराने, साथ ही बच्चों को समय पर टीका लगाने में गलती क्या है? अरे, घर में रहती कहाँ है, सारा दिन इधर उधर फटर फटर करती रहती। फिर एक और झूठ, सारा घर का काम करने के बाद ही तो वो बाहर जाती है, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र दोपहर बाद ही शुरू होता है। अरे, उका जो जी आए करे, पर हमरे काम के बीच में काहे आए? काम नहीं, तुम्हारे अंधविश्वास से उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाना चाहा। उसने तो भवानी बाबा से भी तुम्हें बचाना चाहा। नाम ना ले वो पाखंडी के। अब बहुत गुस्सा कर रही हो? पहले तो कहती थी कि बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, सिद्ध शक्ति है, 100 ग्राम सोना 500 ग्राम कर देता है। हाँ तो किए थे ना। अच्छा, तभी तुमने अपने सारे जेवर उसे दे दिए? तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, वो तो दुगने हो गए होंगे। अरे कहाँ, सारे जेवर लेके भाग गया पाखंडी। पर दूसरे को क्यों कोस रही हो, हर बार तो फैसला तुम्हारा ही था। अरे काकी, ओ काकी, लो ले आए पुलिस वा को। क्या बात है? क्या बताए सरकार, वो भवानी बाबा हमारा सारा जेवर लेके भाग गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कही थी जेवर देन की। ओए, क्या चक्कर है? सरकार, जे कहते हैं कि जे भगवान है, हमें तो लगता है कि भवानी बाबा के गैंग के हैं। ओ हीरो, बड़ा मुस्कुराया है, या सही कह रही है? बिल्कुल, इस जगत में हर प्राणी मेरा है और मैं उसका। अच्छे डायलॉग बोला यार यो था। अरे महेंद्र, लाइए हथकड़ी, हम भी फिर भूखी सेवा कर ले। नारायण नारायण।
जो तीनों लोक में नहीं समाते वो भला तुम्हारी पकड़ में कैसे आ सकते। माता, अब अगर तुम अपना जीवन सुधारना चाहती हो तो अनपढ़ता के मैल को हटाना होगा, तभी तुम सत्य को पहचान पाओगी। नारायण नारायण। साहब, मुजरिम तो फरार हो गया। कौन सा मुजरिम? अरे हमने तो FIR ना लिखी। और कुछ लाने का है क्या? प्रभु, आप मुझे ये कहाँ ले आए? अज्ञानी मानव अपने दुखों की दवा शराब में ढूंढता है, और जब शरीर और परिवार का नाश हो जाता है तो वह सारा का सारा दोष मुझ पर डाल देता है ना अजीब बात? वो देखो, लोग पीवत है, लड़ खड़ावत है, दिल से दुनिया का दुख भुलावत है, एक हम है जो तेरी चाखट प्यासे आवत है, प्यासे जावत है। नारायण नारायण। कमाल है, रामलीला खत्म हुए 6 हफ्ता हो गया, तुम दोनों अभी वही कपड़े पहने घूम रहे हो। हमारी छोड़िए, हम तो आपकी सुनने आए हैं। मुझ बदनसीब के क्या सुनोगे भैया, बस अब तो यही एक सहारा है। क्यों, और वो तुम्हारी बीवी जिसकी कमाई तुम इस पर उड़ा रहे हो? बड़ा उल्टा बोल रहा है भाई, तू क्या उसका कोई सगा लगता है? मैं तो सभी का सगा हूँ, मगर तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे जिसकी किस्मत ही फूटी हो वो क्या कुछ बर्बाद करेगा। लेकिन अपनी किस्मत के जिम्मेदार तो तुम स्वयं हो। लाला जी, उल्टा सीधा हिसाब पे हमारा अंगूठा लगवा कर हमारी पूरी जमीन हड़प कर लिया, ये मेरी गलती थी? उस उल्टे सीधे हिसाब पर अंगूठा तो तुमने ही लगाया था। भैया, हम अनपढ़ आदमी लाला का हिसाब कैसे समझते? अनपढ़ रहने का फैसला भी तो तुम्हारा ही था। अरे छोड़ो भैया, उपदेश देना बहुत आसान होता है। वो ठीक कहते हैं, भगवान भी गरीबों को सहारा नहीं देता। सहारा भगवान नहीं, आदमी की सूझबूझ और उसकी पढ़ाई देती है। तुम तो पढ़ाई छोड़कर भाग खड़े हुए थे ना, 5वीं के आगे पढ़े ही नहीं। अपने छोटे भाई से ही कुछ सीखते, वह सेंटर गया और आज उसे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। अरे खाली पीली काय को टाइम खोटी करता है, कुछ लाऊं क्या? नारायण नारायण। ये नहीं है इधर, जो मिलता है वो सामने बोर्ड पे लिखा है। तुमको पढ़ना आता है क्या? तुमको आता है? अरे पढ़ना आता तो क्या अपनी जिंदगी खाली पीली यहाँ खराब करता? बात करता है। नारायण। समझदार लड़का है, आदमी जो सोचता है वही बन जाता है। तुमने हमेशा अपने आप को लाचार और गरीब समझा, सो वही हुआ। तुम्हारा भाई अक्षर सीखकर दुकानदार बन गया, और तुम्हारी पत्नी सेंटर जाकर सिलाई कढ़ाई सीखकर पैसे कमाने लगी, और तुम वहीं के वहीं रहे। ए, वो शंकर दादा को देखता है ना, वो तुमको बुलाया है। शंकर दादा? बहुत डेंजरस आदमी, जल्दी चलो वरना 1, 2 का 4 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो हमको क्यों बुला रहा है? तुम्हारा डायलॉग उसको भी सुनने को मांगता है। प्रभु चले। नारायण नारायण। बिन पिए मैं तो गया। कुछ और समझना बाकी है नारद? नहीं प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ज्ञान का सही अर्थ और महत्व आज मेरी समझ में आया है। तो अब चलें? आप चलें प्रभु, मैं कुछ सेवा दान करके आता हूँ। उचित है। प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। अ से अना,
और आ से आम। नारायण नारायण। तो नारद जी भी जुट गए विद्यादान में। विद्यादान जिसे खुद नारायण ने सबसे उत्तम दान बताया है। तो चलो पढ़ो पढ़ाएं, कुछ कर दिखलाएं। शिक्षा वो अब दीप जलाएं, खुद हम अपना भाग्य बनाएं। ये सारी बात तो समझ गया, लेकिन एक चीज मैं अभी तक नहीं समझा। वो क्या? नारद और नारायण बिना पर के आसमान में कैसे उड़ रहे थे? तो आइए देखते हैं आखिर होता है ऐसा क्यों। सब इंतजार कर रहे हैं, किस सोच में हैं आप? सोच रहा था कि हम जिंदगी में कितने अनुभव करते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों होता है। मतलब? अब देखिए ना, मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसे गिरा दूं तो क्या होगा? गिर जाएगा, ये कैसा सवाल है? जितना आसान ये सवाल है उससे भी ज्यादा आसान इसका जवाब, और कोई बच्चा भी बता सकता है कि क्या होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सदियों से ऐसा होता आया है। सो तो है, पर इसके पीछे विज्ञान का भी राज है। वो क्या? चलिए आइए एक छोटा सा प्रयोग करें। मेरे सामने ये चुंबक है और ये कुछ लोहे के टुकड़े, अब देखिएगा क्या होगा। ये सारे लोहे के टुकड़े इस चुंबक से चिपक गए। ठीक इसी प्रकार हमारी धरती में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और ये अपने आसपास की चीजें अपनी तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एक और दिलचस्प पहलू है। वो क्या? अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। वो कैसे? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी के आसपास वायुमंडल है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यानी हमेशा हमेशा के लिए हवा में तैरते? जी हाँ, वो भी बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। फिर तो धरती की आसपास की चीजें भी इसी शक्ति की वजह से होंगी। हाँ, इसी शक्ति की वजह से सदियों से चंद्रमा धरती की परिक्रमा कर रहा है, वरना यह धरती के पास रुक ही नहीं पाता। धरती की तरह चंद्रमा की भी तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी। हाँ, चंद्रमा की भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और इसी शक्ति की वजह से सागर में रात को ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अगर चंद्रमा की भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो धरती क्यों नहीं उसकी तरफ खिंच जाती? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से ज्यादा है। सूरज तो धरती से कई गुना ज्यादा बड़ा है, तो क्या उसमें भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है? सूरज तो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है और उसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सारे नक्षत्र उसके आसपास घूमते रहते हैं। तो देखा आपने कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातों के पीछे कितनी गहराई है। तभी तो कहता हूँ जरा सोचो कि होता है ऐसा क्यों। और अब समय है मौज मस्ती, घूमने फिरने और सैर सपाटे का। सैर सपाटे में आज हम यात्रा करेंगे कुमाऊं में बसे पर्वतीय शहर रानीखेत की। रानीखेत जो कि भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है और एक कैंट शहर के नाम से भी जाना जाता है। और हिल स्टेशन की तरह ना तो यहाँ झील है, न घुड़सवारी, न ही पर्यटकों से भरे बड़े बाजार। फिर भी यहाँ का शांत वातावरण, खूबसूरत वादियाँ और आध्यात्मिक स्थल रानीखेत को एक अलग अंदाज देते हैं। तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या हो जाए सैर सपाटा। प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर रानीखेत। शहरों के कोलाहल से दूर रानीखेत की ये खूबसूरत वादियाँ और इन वादियों में गूंजता खामोशी का संगीत जो बरबस ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया सचमुच बहुत खूबसूरत है। यहाँ का चौबटिया गार्डन अपने सुंदर नजारों से सभी का मन मोह लेता है। सेब का बगीचा भी है यहाँ। फल आने के समय पूरा बगीचा मानो सेब की लाली की चुनर ओढ़ लेता है। झूला देवी का मंदिर जिसकी मान्यता की प्रतीक है ये घंटियां। स्थानीय लोग ही नहीं देश भर से लोग इस मंदिर में देवी के दर्शन को आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए।
हमारे देश की गर्मी से बचने के लिए अंग्रेजों ने शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसी जगहों को चुना, जिनमें से एक रानीखेत भी है। ये चर्च जो कि याद दिलाता है ब्रिटिश काल की। रानीखेत के बाजार जहां घूमने का आनंद आप किसी भी समय उठा सकते हैं। शाम होते होते इस बाजार की रौनक और भी बढ़ जाती है। ईश्वर ने प्रकृति को बड़े ही खूबसूरत रंगों से सजाया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है रानीखेत का यह सूर्यास्त। और अब समय है समाचार का, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के देश भर में चल रहे विशेष कार्यक्रम। और फिर हर बार की तरह हमारे विशेष संवाददाता समझदार सिंह की एक खास रिपोर्ट। और आज समझदार सिंह हमें स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो आइए देखते हैं समाचार समझदार। साक्षरता समाचार में आज पहली खबर लद्दाख से। लद्दाख, जिसकी खूबसूरत वादियां एहसास दिलाती हैं स्वर्ग सी सुंदरता का, और आज लद्दाखवासी इस सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं साक्षरता अभियान से जुड़कर। लद्दाख की इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है स्तगमो गांव। आज स्तगमो गांव में महिला साक्षरता अभियान ने पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। दिन भर खेती के कामों से समय निकाल कर आज ये महिलाएं साक्षरता की कक्षाओं में आती हैं। अब ये समझ गई हैं कि साक्षरता के जरिए ही ये अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। आज ये नव साक्षर महिलाएं अक्षर पहचान लेती हैं और हिसाब किताब खुद कर लेती हैं। अब इन्हें दुकानदार से ठगे जाने का खतरा नहीं है। अपने गीतों में ये लद्दाख की खुशहाली और साक्षर होने के संदेश गांव में सुनाती हैं। अगली खबर राजस्थान के गांव मात का बाड़िया से, जहां स्त्री धन में मिली सिलाई मशीनों को महिलाएं छूने से भी डरती थी। कारण अनपढ़ता। इन महिलाओं ने अनपढ़ता और अज्ञानता के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी और गूंजने लगी गांव मात के बाड़िया में साक्षरता की घंटी, जिसके बजते ही ये महिलाएं सर पर सिलाई मशीन उठाए चल देती हैं अपने साक्षरता केंद्र की ओर। इनके लिए बयावर से एक टेलर मास्टर बुलाया गया, जो इन महिलाओं को अक्षर ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी सिखाता है। अब ये महिलाएं अपने कपड़े इसी सिलाई मशीन पर सिलने लगी हैं। गांव की ये नव साक्षर महिलाएं आज ये समझ गई हैं कि साक्षरता के बिना जीवन अधूरा है। और अब एक नजर झलकियों पर। राजस्थान का अलवर जिला, जहां लगाया गया एक अनूठा मेला नव साक्षर मेला। खेल की प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक गीतों को गाना, रंगोली, कढ़ाई, बुनाई, यही सब आकर्षण थे इस मेले के। नव साक्षर मेला सिर्फ एक मेला ही नहीं, बल्कि अपने काम को साक्षरता की कसौटी पर परखने का एक मौका भी था। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, जहां आज सभी गांव वाले पढ़ना पढ़ाना अभियान से जुड़े हैं। पुरुष शराब की दुकान की जगह साक्षरता की कक्षाओं में पढ़ने जा रहे हैं। आज इस अभियान से गाँव की महिलाएं भी जुड़ी हैं। इन्होंने पढ़ लिख कर अपने स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं। गांव में चल रहा पल्स पोलियो अभियान इनकी जागरूकता का प्रतीक है। साक्षरता ने आज इनके जीवन को एक नई दिशा दी है। और अब हमारे विशेष संवाददाता समझदार सिंह की एक रिपोर्ट। भाई, हमारा नाम है समझदार सिंह और इस नाम की वजह से मैं बच भी गया। अब पूछो कैसे। कल रात मैं एक शादी से वापिस लौट रहा था। अंधेरी रात, सुनसान सड़क। भाई, मैंने नू लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मैंने डर लग गया। डर लगते भाई मैंने अपनी चाल तेज कर दी। उसने गली के कोने में मैंने दबोच लिया। उसके हाथ में लंबा सा चाकू था। वो बोला, अबे क्यों बे, क्या नाम है तेरा? जी समझदार सिंह। समझदार सिंह? अबे कहीं तू वो सबरंग वाला तो नहीं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, लगातार वजन कम हो और कमजोरी हो तो कौन सी बीमारी हुई? मन नहीं पता जी। अबे लगातार खांसी सुबह को हो तो? मन नहीं पता। अबे शाम को हल्का बुखार हो रहा हो और रात को पसीना आने पर उतर जाता हो तो? अबे साले हमसे झूठ बोल रही है। अबे देखा ये रामपुरी चाकू, कर दू अंदर। अबे तू समझदार सिंह है ना? अबे तो बता, छाती या पीठ के ऊपरी हिस्से पे दर्द हो तो? खांसी के साथ खून आ रहा तो? चमड़ी लाल रंग की हो तो? आखिरी ऑप्शन, आवाज फटने लगती हो तो? लॉक किया जाए। अबे मैं तुझसे बीमारी पूछ रही हूँ, तू कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे, कर दो अंदर। टीबी यानी कि तपेदिक। क्या?
बड़ी खतरनाक बीमारी है। तन्ने तपेदिक है, पास में किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच करवा। और एक बात बता दूं, तपेदिक की दवाइयां सभी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में मिलती हैं। भाई एक बात ध्यान से सुन लो, घर में अगर एक सदस्य ने भी तपेदिक हो जाए तो बाकी सदस्य भी तपेदिक की जाँच करवा लें। खांसते समय तपेदिक के मरीज को मुंह ढक के रखना चाहिए, पौष्टिक आहार लें और इसमें सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। अरे तू क्या टिप्पर टिप्पर देख रहा है, तू पतली गले से हो जा नो तो 11। भाई मारा काम तो है समझाना, सब समझा दिया। मैं समझदारपुर से समझदार सिंह। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। आप लोगों से मिल रहे ये पत्र इस बात का इशारा है कि साक्षरता लहर पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा लिखना ना भूलिएगा। हमारा पता है सबरंग पोस्ट बॉक्स 3848 नई दिल्ली 110049। तो रहेगा आपके पत्रों का हमें इंतजार। नमस्कार, नमस्कार।